खूबसूरती की बात करें तो जहन में मुंबई सीएसटी सबसे पहले आता है। जी हाँ, आप सही समझे, मैं मुंबई सीएसटी की बात कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे मुंबई सीएसटी के यहाँ पे खड़ा हूँ। और आप जैसे कि जानते हैं कि मुंबई सीएसटी की डिज़ाइन सबसे अलग है और इस डिज़ाइन को चार चांद लगाती है यहाँ की लाइटें। मुंबई सीएसटी का इतिहास काफ़ी सुनहरा रहा है। उस सुनहरेपन को कंटिन्यू करने के लिए मुंबई सीएसटी वालों ने गोल्डन कलर की लाइटें लगाई है। आप एंट्री करेंगे तो आपको लगेगा कि स्वर्ण मंदिर में आ गए हैं, राजाओं महाराजाओं वाली फीलिंग आएगी। आइए लोगों से बात करते कि उनका इस बारे में क्या कहना है। ये अभी सीएसटी का नज़ारा है जो अंदर गोल्डन लाइट लगा हुआ है, उसकी वजह से बहुत ही अच्छा फील आ गया है। ऐसा लग रहा है कि ये राजा महाराजाओं का जो महल रहता है वैसा अभी सीएसटी पे आके लग रहा है। और ये जो ओपन हुआ था, ये 20 जून को ही ओपन हुआ था, ऐसी हिस्ट्री की जानकारी है। मुंबई की शोभा बढ़ाने वाला अपना सीएसटी स्टेशन है और जो भी वंडर्स रहते हैं उन वंडर्स में इसका नाम है। तो मुंबई सीएसटी में आए हो, क्या मतलब क्या कुछ खास है यहाँ पे? खास तो बहुत लगता है, जैसे अभी इधर आने का ऐसा लगता है कि कहीं बाहर गए हैं। यहाँ पे आओ तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत कुछ बनाने का मन करता है, फोटोज वगैरह खींचने में बहुत खुशी होती है। यहाँ की ये जो खूबसूरती है, लाइटिंग, ये डिजाइन जो ब्रिटिश ने दिया हुआ है, ऑसम। ओके, अंदर गोल्डन कलर की लाइट है, उसके बारे में क्या कहना है? एकदम राजा ऐसा दिखता है, एकदम बढ़िया गोल्डन लाइटिंग्स के कारण काफ़ी मतलब बेटर लगता है, ऐसे लगता है मतलब हेरिटेज साइट है। पहले ऐसा लगता था कोई नॉर्मल सा स्टेशन है खाली, अभी लगता है कुछ अच्छा है करके, इसलिए यूनेस्को ने भी मतलब कुछ दिया है इसको, वर्थ है ऐसा लगता है। पहले ऐसा नहीं लगता था, मतलब लाइटिंग मेक्स इट मोर ब्यूटीफुल। सीएसटी में जो काफ़ी लाइटिंग्स एंड देन गोल्डन्स और अंदर भी ऐसे लाइट्स लगाए, काफ़ी एकदम महाराजा व्यूज आते, दैट्स गुड, नाइस, सो फैंटास्टिक। सच में ये गोल्डन कलर की लाइटें गोल्डन टेम्पल की याद दिलाती है, राजा महाराजा वाले फीलिंग दिलाती है। अगर आपके बजट कम हो अमृतसर जाने का तो आप मुंबई सीएसटी आ जाइए। आगे के अपडेट्स के लिए देखते रहिए महा मुंबई न्यूज़। कैमरामैन मंदार जोशी के साथ नीरज दुबे, महा मुंबई न्यूज़।